नमस्कार, यूपी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर छोटेलाल मिश्र ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा देते हुए उमरी गणेशपुर के नहरवाल में स्थिति कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बालिकाओं के साथ केक काटकर गणतंत्र दिवस मनाया और हर घर की बालिकाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करने का संकल्प लिया। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए 20 साल पहले उन्होंने एक बालिका इंटर कॉलेज की स्थापना की थी, जो कि आज भी बालिकाओं के लिए विद्यालय में विशेष छूट रखती है और बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए उनकी हर संभव मदद विद्यालय हमेशा करता रहा। इसी कार्यक्रम का आयोजन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रधानाचार्य रीना और उनके समस्त स्टाफ ने की। जिले में दूसरी बार जिलाधिकारी दीपक मीणा के अथक प्रयासों के बाद श्रावस्ती महोत्सव का 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके से आगाज हो गया है, जिसका उद्घाटन श्रावस्ती के प्रभारी मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी ने किया, जिस पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने मंत्री को गीता और बौद्ध प्रतिमा देकर उनका स्वागत किया। महोत्सव की शुरुआत राष्ट्रगान से की गई। प्रभारी मंत्री ने इसके बाद विभिन्न विभाग के जरिए लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया। इस मौके पर महोत्सव में आए लोगों ने इसे सराहनीय कदम बताया और इस तरह के महोत्सव से तमाम तरह की योजनाओं की जानकारी मिलने की बात कही। महोत्सव में बच्चों के लिए लगाए गए बड़े झूले और एयर बैलून लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान जिले के डीएम आए मंत्री सांसद और विधायक का संबोधन भी हुआ। महोत्सव में हम आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो यहाँ पे आने के बाद महोत्सव के द्वारा जो हमारी पुरानी लोकगीत है, पुरानी संस्कृत है और किस तरह से हमारे पूर्वज 100 साल पहले यहाँ रहते थे, उसका सब बच्चों को ज्ञान होता है। दूसरा, जो हमारी प्रतिभाएं हैं, चाहे वो बॉम्बे में रहती हो, चाहे लखनऊ रहती हो, चाहे नागपुर रहती हो, और इस तरह के प्रयोजनों में उनको भी आने का मौका होता है और लोग ये पहचानते हैं कि हमारे श्रावस्ती में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पूरे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, ये भी पहचानने को हमें मिलता है। दूसरा, जितनी भी सरकार की योजनाएँ हैं, चाहे वह स्वच्छता हो, चाहे सुलभ शौचालय हो और चाहे सोलर पम्प कृषि का आप देख लीजिए, और चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, उज्ज्वला योजना हो, इस तरह की जितनी। सहारनपुर के कस्बा नक्कुड़ में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता भारी संख्या में तिरंगा यात्रा निकालने के लिए इकट्ठा हुए। भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और तिरंगा यात्रा निकालने की परमिशन न होने पर तिरंगा यात्रा का विरोध किया गया, जिसके चलते तिरंगा यात्रा बीच में ही रोक दी गई और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक होने लगी, जिसमें SDM नक्कुड़ भी मौके पर पहुंचे और यात्रा की परमिशन न होने के कारण यात्रा निकालने को मना किया गया, जिसके चलते तिरंगा यात्रा को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं में खासा रोष देखने को मिला। उन्होंने कहा कि अगर भारत में ही तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते तो क्या हम पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। आज 26 जनवरी के उपलक्ष्य में गत वर्षों की भांति हम लोग 25 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकालते हैं नक्कुड़ के अंदर। नक्कुड़ इकाई के द्वारा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे संभाग के प्रभारी प्रदेश मंत्री माननीय नागेंद्र प्रताप सिंह तोमर मुख्य अतिथि थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम नोएडा में होने के कारण उन्हें नोएडा जाना पड़ा। तो मैं, जिलाध्यक्ष संजय वर्मा, मेरे साथ जिला प्रभारी भाई मानवेंद्र चौहान जी और महानगर के पूरी टीम और इधर जनपद की पूरी टीम प्रत्येक ब्लॉक से, प्रत्येक नगर से आज नक्कुड़ की तिरंगा यात्रा में शामिल हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो व्यवधान डाला है, इसको लेकर के आपको क्या कहना है? पुलिस प्रशासन ने व्यवधान क्या डाला, कुछ लोगों ने जिले के कप्तान को गुमराह किया, गलत सूचनाएं दी कि हमारी तिरंगा यात्रा से कोई दंगा हो सकता है। गत वर्षों में पहले भी हम लोगों ने निकाली, कोई दंगा नहीं हुआ। 4 साल में अभी कोई दंगा नहीं हुआ। लगातार 12 वर्षों से हिंदू वाहिनी जनपद सहारनपुर में कार्य कर रही है, 15 वर्षों से, उसके बावजूद कोई हिंदू वाहिनी ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन के द्वारा हमें जो रोका गया, उसमें एक कमी हुई। हम लोग हर बार पुलिस को सूचना दिया करते थे, LIO को सूचना दिया करते थे, मीडिया के माध्यम से सूचना दिया करते थे। इस बार भी SDM को सूचना दी गई 5 दिन पूर्व और CO साहब को सूचना दी गई 5 दिन पूर्व, थाने में सूचना दी गई 5 दिन पूर्व, उसके बावजूद भी कोई परमिशन नहीं हुई हमारी और परमिशन का बहाना बनाकर हमारी यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया।
बढ़ते आगे यूपी को, जहां एक ओर क्राइम मुक्त करने में यूपी पुलिस सतर्क रहकर दिन रात गश्त और पेट्रोलिंग में लगी हुई है, तो वहीं श्रावस्ती की नहरों में लाश मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटना यूपी के श्रावस्ती जिले के थाना इकोना के अंतर्गत अकबरपुर के पास स्थित नहर की है, जहां पर एक नवजात शिशु का शव देखने को मिला है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बुलंदशहर में 70वें गणतंत्र दिवस पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शिकारपुर में वार्डन सरोज कुमारी ने सभी समस्त स्टाफ की उपस्थिति में झंडारोपण किया और भारतीय गणतंत्र के संविधान में भावना की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने देश की महान आत्माओं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्रों पर माल्य अर्पण कर उपस्थित लोगों को भारतीय संविधान में निहित हमारे मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि वतन पर कुर्बान होने वाले शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दी जा सकती है जब हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों को ईमानदारी से निभाएं। हमें तन मन धन और मनसा वाचा कर्मणा हर रूप से इस अमूल्य आजादी को अक्षुण बनाए रखना है। बरसाना के बुलंदशहर के अनुपशहर क्षेत्र में सुनाई पेट के देशी शराब की दुकान पर, जहां 26 जनवरी के मद्देनजर प्रशासन की ओर से 26 जनवरी पर शराब के ठेके बंद करने के आदेश दिए गए हैं, इस दिन शराब बेचने वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश दिए गए थे। तो वहीं अनुपशहर कस्बे में और क्षेत्र के सुनाई पेट पर सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए एक दुकान पर बुलंदशहर जिला आबकारी अधिकारी की मिलीभगत से हुलेआम बेची जा रही है। जब पत्रकारों में बात की गई तो मारने की धमकी देकर बात की ओर कहा गया कि हमारा कुछ भी नहीं होगा, जो करना हो कर लो। क्या बोले यार तुमने? कितने बोले? दो। कितने दिए? 200 रुपए दो पुए। किस जगह? कौन सा मकान, किस जगह पे खड़े हो आप, कौन सा गांव है? वहीं बुलंदशहर के अनुपशहर तहसील पर चकबंदी ऑफिस में राष्ट्रध्वज का अपमान किया गया है। ध्वज फहराने के बाद वह पाइप गिर गया जिस पर राष्ट्रध्वज फहराया जा रहा था। आपको बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से बेपरवाह कर्मचारियों ने राष्ट्रध्वज की कोई सुध नहीं ली और पाइप पर टगा राष्ट्रध्वज ऑफिस की छत पर पड़ा रहा। चकबंदी विभाग के लापरवाह अफसर और कर्मचारियों ने राष्ट्रध्वज का अपमान करने का यह कारनामा कर दिखाया, जहां सुबह ऑफिस पर राष्ट्रध्वज को फहराया गया। अफसरों और कर्मचारियों ने राष्ट्रध्वज को सलामी भी दी थी, लेकिन अफसर और कर्मचारी सलामी देने के बाद अपने अपने घर वापस चले गए और इसके बाद अचानक से राष्ट्रध्वज को लटकाए जाने वाला पाइप गिर गया। सर ये जी, तो सर ये आप कितनी देर से यहाँ पे? मैं करीब 2 घंटे से बैठा। तो सर ये झंडा गिरा हुआ है, तो आप भी बता सकते हैं कितनी देर पहले गिरा हुआ है? जैसे 2 घंटे हो गए, मैं सामने गिरा था, बंदरों ने फाड़ा था इसको। जी, बंदरों ने फाड़ा था। तो यहाँ पे अभी तो कोई भी आदमी इसको नहीं आया? बंदरों को भगाने की कोशिश की और तलाश किया कि यहाँ पर ऑफिस वालों से जानकारी की जाए कहाँ गए, उनका ताला बंद था जी, और यहाँ पर बंदरों ने इसको फाड़ फाड़ कर चीर चीर, ये राष्ट्रीय अपमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए, की रक्षा करना हुआ धर्म जी। सर आपका नाम? एस के खंडेलवाल। तो सर आप कितनी देर से यहाँ पे? मैं तो अभी थोड़ी देर हुई अभी आया हूँ जी जी। तो जैसा कि ये अपमान किया जा रहा है हमारे तिरंगे का, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये देखो जी, तो गलत ही है जी, हमारा भारत देश है और इसमें ऐसा हो रहा है तो ये गलत बात है। बाकी बंदरों ने फाड़ा है, बाकी किसी ने तो ऐसा छेड़छाड़ नहीं। फिर भी जैसा कि मान लो बंदरों ने फाड़ा, तो यहाँ पे मान लो कोई भी इसकी देख रेख के लिए कोई है नहीं ना? देख रेख का चलो ध्यान नहीं पड़ा होगा। वहीं यूपी में पुलिस आरक्षी भर्ती के लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद को भी इस परीक्षा के लिए सेंटर आवंटन किए गए हैं। मुजफ्फरनगर सिटी में भी 13 स्कूलों को सेंटर बनाया गया है, जहां 2 दिन में 4 पाली में परीक्षा होनी है। प्रथम पाली में 11,000 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 2 दिनों में कुल 44,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इन परीक्षा केंद्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरुष पुलिस कर्मी सहित महिला कांस्टेबलों की भी परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही SSP समेत पुलिस के आला अधिकारी पेट्रोलिंग कर सभी परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। देखिए, यूपी पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज है, शुरू हो गई है और इसमें 13 सेंटर हमारे बन गए हैं। आज 2 पारियों में एग्जाम है और कल 2 पारियों में एग्जाम होगा। इस प्रकार लगभग 44,000 कैंडिडेट्स इन पूरी दोनों दिनों में बैठेंगे। इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था है, एग्जाम शुरू हो गया, सब कैंडिडेट्स अंदर चले गए हैं और प्रथम पारी के, और जहां ट्रैफिक व्यवस्था मुकम्मल की गई है, सारे चौराहों पे फोर्स लगी हुई है, जहां आने जाने के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहां फोर्स लगी है और ठीक से एग्जाम कराया जाएगा।
बढ़ते आगे मुजफ्फरनगर में, जहां 26 जनवरी के मद्देनजर शासन की ओर से 26 जनवरी पर शराब के ठेकों का अवकाश घोषित किया गया है, तो वहीं मुजफ्फरनगर में सारे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए एक दुकान पर मुजफ्फरनगर जिला आबकारी अधिकारी की मिलीभगत से खुलेआम शराब बेची गई। यही नहीं, ओवररेट शराब बेचकर इस दिन शराब के ठेकेदारों के जरिए खूब जमकर पब्लिक की लूट की गई। वहीं जब जिला अधीक्षक आबकारी अधिकारी को देनी चाहिए तो जिला आबकारी अधिकारी ने अपना सरकारी नंबर स्विच ऑफ कर लिया। जब थाना सिविल लाइन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराब बरामद की, लेकिन शराब बेच रहे ठेकेदार पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। वहीं मुजफ्फरनगर में शिक्षा को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जहां चरथावर ब्लॉक के गांव कल्लरपुर के प्राइमरी स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक अध्यापक ने अपनी जातिवादी मानसिकता दर्शाते हुए जमकर जातिवादी और पार्टी विशेष के गानों को बजाया। स्कूल में मासूम बच्चों को देशभक्ति गानों के अलावा भीम आर्मी संबंधित गाने पर डांस कराया गया, और इतना ही नहीं, मासूम बच्चे भीम आर्मी के गाने की धुन पर जमकर नाचते रहे। इस पूरे मामले में एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने जांच बैठा दी है और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। एक वीडियो हमें प्राप्त हुआ है अभी व्हाट्सएप पे कि एक प्राइमरी स्कूल कलरपुर है चरथाल ब्लॉक में, और उसमें ये सूचना मिली थी कि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था, उस पे इस प्रकार के गाने बजाए जा रहे थे और इस पे आसपास के लोगों को भी आपत्ति हुई है, इसलिए हमें ये वीडियो प्राप्त हुआ है। और चूंकि ये उस पे स्कूल का नाम दिख रहा है और हमने वो वीडियो BSA को व्हाट्सएप किया है, BSA चूँकि अभी हाईकोर्ट लखनऊ में है, उनसे मैंने बता दिया है कि इसमें स्कूल का चूँकि सामने फोटो भी आ रहा है, इसकी सत्ता की जांच कर लें। यदि वीडियो चूँकि हमें बहुत छोटा मिला है, यदि हमें कोई और बड़ा वीडियो मिलता है तो उससे हमें और क्लैरिफाई हो जाएगा और इसकी जांच हम स्कूल जाके भी BSA से करवाएंगे। और यदि ऐसी कोई त्रुटि प्रिंसिपल से या अध्यापक से हुई है तो कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। किस तरीके योगी सरकार चाहे कितने भी दावे करे, लेकिन दबंग अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे। बदायूं के थाना वजीरगंज के अंतर्गत गांव उरेना में दबंगों ने रास्ता बंद किया। हाजी अंसार उद्दीन पुत्र रफीक उद्दीन का निकास बंद कर दिया है, जिस पर SDM ने स्टे भी कर दिया है, लेकिन शासन सत्ता के दबाव में पुलिस मूक दर्शक बनकर रह गई है और दबंग अपनी दबंगई का फायदा उठाते रहे। ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया गया है। विपक्ष के अनुसार उद्दीन का ही सगा भाई है, जिसका नाम इकरार उद्दीन पुत्र रफीक उद्दीन है। उसने अपनी पूरी गुंडागर्दी के बल पर मुकदमा के बगैर बंटवारा अवैध निर्माण कराया है। पुलिस मौके पर जाती है तो दबंग क्षेत्रीय विधायक और नेताओं के फोन करने पर पुलिस वापस चली आती है। इसका हमारा ये जबरिया प्लाट बना रहा है और जबरिया ढींगा मुस्ती बदमाश सब इकट्ठा हुआ, इससे गांव का बदमाश चुना हुआ और इसमें साहब कार्यालय स्टे लिया हुआ, मुकदमा चल रहा, निकास बंद कर दिया हमारा, खड़ंजे के ग्राम सभा का निकास बंद करके हमारा ही प्लाट हमारी खंबा खड़ा जबरिया बना रहे। कब से चल रहा है ये मतलब 2 साल हो गए इसे चलते हुए और इसमें भाग दौड़ कर रहे हैं। कल ये फिर आर्डर मतलब ये दीवार खसा दी गई और फिर साहब जबरिया इंसान जबरिया फिर बना दिया। पुलिस वगैरह हमने कम से कम क्या नंबर बंद कर दिया उन्होंने, और ये कहीं हम तो जवांगे कि जब क्या कोई यहाँ मतलब घटना लंबी हो जाए जवांगे 100 नंबर फोन करा, 100 नंबर आई थी रुकवा गई और जैसी वो गई फौरन लगा फिर लगा लिया। प्रधान से बात हुई थी? प्रधान साहब मतलब ये कहता है मैं ये कोई मतलब नहीं, ये मतलब बदमाश आदमी मैं नहीं बोलूंगा। फिलहाल मेरे साथ उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों में इतना ही, नमस्कार।